दोस्तों, मैंने इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है चार मेन कारण जिसके कारण आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो दोस्तों, अगर इन वीज़ा रिजेक्ट से आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, आपकी माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत और दोस्तों आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो इस चीज़ों से रिलेटेड दोस्तों मैं बातें करूँगा आपके साथ, तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों, जो आपका वीज़ा है वो रिजेक्शन क्यों आती है, इसका सबसे जो पहला मेन कारण है वो है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा होता है। दोस्तों, आपने कोई ना कोई जुर्म किया होता है या आपका कोई चालान होता है जो कोर्ट में होता है। दोस्तों, इस तरह की जो कोई भी गतिविधि होती है इसके कारण दोस्तों आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। सबसे मेन कारणों में से एक कारण ये भी है आपका कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। और दोस्तों, दूसरा जो मेन कारण वो ये है दोस्तों, आपने पहले कभी वीज़ा अप्लाई किया था किसी कंट्री का और आप वहाँ पर गए थे और उस वीज़ा से रिलेटेड जो उसके रूल है वो आपने नहीं माने, तो उसका भी इफ़ेक्ट दोस्तों आपके जो वीज़े पर पड़ता है। वो भी एक मेन कारणों में से एक होता है। आपने 21 दिन का वीज़ा था, आप 30 दिन में या 45 दिनों में या 60 दिनों में वापस आ रहे हो, तो उस चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके वीज़ा अप्लाई पर। तो आपके रिजेक्शन का एक मेन कारण ये भी है दोस्तों। और तीसरा जो मुख्य कारण है दोस्तों वीज़ा अप्लाई में जो गलती होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो कारण है वो ये है कि दोस्तों, जो हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जो कागजात लगाते हैं, वो हम क्लियर नहीं लगाते, तो इस वजह से भी दोस्तों जो हमारा वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। हमारी जो फ़ोटो होती है वो क्लियर नहीं होती, इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। दोस्तों, हमारे जो डॉक्यूमेंटों में जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसकी वजह से भी दोस्तों वीज़ा रिजेक्ट होता है। ये तीसरा जो मेन कारण था वीज़ा रिजेक्ट होने का। और दोस्तों, चौथा जो मेन कारण वो ये है दोस्तों, जो वीज़ा रिजेक्ट होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम होटल बुकिंग करते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। जो डमी होटल बुकिंग करवाते हैं हम दोस्तों, उसके कारण भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्योंकि जब हम होटल बुकिंग करते हैं और डमी जो होटल बुकिंग करते हैं, तो उससे ये होता है कि दोस्तों, जो एम्बेसी वाले होते हैं वो होटल, उनके पास उनका बायोडाटा होता है होटल का, तो वो वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये बंदा है ये यहाँ पर होटल में रुका है या नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों ये डमी जो होटल बुकिंग लगाते हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों हमारा जो वीज़ा रिजेक्ट होता है। दोस्तों मैंने इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है चार मेन कारण जिसके कारण आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो दोस्तों, अगर इन वीज़ा रिजेक्ट से आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, आपराधिक मामले मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अगर आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो दोस्तों ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनसे दूर रहें दोस्तों। किसी भी तरह का कोई आपराधिक जो काम होता है वो ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपके ऊपर अगर मुकदमा दायर हो गया तो दोस्तों आप वीज़ा तो भूल जाइए। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या करनी है, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो दोस्तों, आपको वीज़ा मिला है उसका, तो उस जो कंट्री के जो रूल है, उस वीज़ा के जो रूल है, जो आपको वीज़ा मिला है उस रूल के मुताबिक ही चलें। अगर 21 दिन का है तो 21 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो इंडिया भारत जो वापसी करें, ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज़ दोस्तों क्या करनी है आपको, जो आपके डॉक्यूमेंट है, आपके जो कागज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ साफ हो, जो आपकी फ़ोटो हो बिल्कुल क्लियर हो, तभी ये जो डॉक्यूमेंट है तभी अप्लाई करें। अगर नाम की कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, उसको सही करके दोस्तों आप वीज़ा अप्लाई करें, इससे आपका जो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। और चौथी चीज़ दोस्तों, जो हम होटल बुकिंग, जो डमी होटल बुकिंग करते हैं उससे बचें, ठीक है दोस्तों। अगर देखो, जो होटल बुकिंग होती है वो ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसका, थोड़ा ही खर्चा होता है। आप ऐसे थोड़े से खर्चे बचाने के चक्कर में दोस्तों आप गलत काम करते थे, जिसके कारण दोस्तों आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो इन कामों से बचें दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग और जो आपको जो वीडियो से आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।